नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर किसानों का धरना है। अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण पहुंचे सैकड़ों किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सेक्टर 6 प्राधिकरण दफ्तर पहुंचे हैं ये किसान। आपको बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त, आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सर पर टोपी पहने प्राधिकरण के बाहर पहुंचे हुए। आपको बता दें कि नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर किसानों का धरना है, अपनी मांगों को लेकर यहां पर सैकड़ों किसान पहुंचे और यहां पर सैकड़ों पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनसे लगातार जो पुलिस अधिकारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण पहुंचे हैं सैकड़ों किसान। आप ये देख सकते हैं कि इन किसानों में महिलाएं भी शामिल हैं, तो किसानों का एक तरीके से ये मांग है, एक उनका एक तरीके से धरना है उनका, जिसमें क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिलाएं, सभी लोग शामिल हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितना हुजूम है किसानों का नोएडा प्राधिकरण के सामने, सेक्टर 6 के दफ्तर के सामने सभी किसान इकट्ठा हुए हैं, जहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो किसानों के धरने को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कई हजार की संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां पर नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर किसानों का यह धरना है। तो हमारे सहयोगी गिरीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। गिरीश, ये पूरा मामला क्या है, किसानों की क्या मांगे हैं जिसको लेकर किसान सड़क पर उतरने को उतारू हो गए हैं? निश्चित तौर पर ये जो किसानों के बीच और प्राधिकरण के बीच जो टकराव है काफी लंबे समय से है। किसानों का कहना है कि जो विकास के कार्य है, जो सेक्टरों में तो प्राधिकरण करा देता है लेकिन गांव अभी भी जो विकास के कार्य है उनसे वंचित है। साथ ही जो प्राधिकरण लगातार जो आबादी की जमीन को अधिग्रहित कर रहा है, तो किसानों का कहना है कि जो जमीन प्राधिकरण पहले ही अधिग्रहित कर चुका है उसके बाद जो किसानों की आबादी की जमीन बची हुई है उसको भी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। इन तमाम सारी जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार एक किसान धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लगातार प्राधिकरण के अधिकारी आश्वासन दे देते हैं कि हम आपकी मांगों को सुनवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते आज फिर से ये धरना प्रदर्शन विशाल किया जा रहा है। जी गिरीश, वही अगर बात किया, जैसा कि हमने अभी तस्वीरों में देखा कि हजारों की संख्या में किसान वहां मौजूद है और उनसे जो पुलिस अधिकारी वो भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, जो लगातार जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनका टालम टोल रवैया रहता है। आज भी जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर भी वो लोग कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर 2-3 महीने में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, किसानों को सड़कों में उतरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है कि वो लोग तरीके से इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं जिनसे किसानों को सड़क में उतरना पड़ रहा है। जी गिरीश, वहीं क्या लगता है कि प्रशासन इन गांव के लोगों को अनदेखा कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर बात करते रहे लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, तो क्या प्रशासन इनको अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है? जी, निश्चित तौर पर ये कहना उचित ही होगा क्योंकि लगातार इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। अभी 2 महीने पहले भी अथॉरिटी का घेराव किया था, उसमें भी हजारों की संख्या में किसान थे। जब मामला बढ़ता गया उसके बाद अधिकारी बाहर निकल के आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सुनवाई जल्दी होगी, जल्दी हम लोग अपने सारे काम करेंगे, लेकिन बावजूद उसके बाद जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ फिर से अधिकारियों का रवैया अपना शुरू हो गया। इसको लेकर किसानों में भी काफी रोष है कि अधिकारी अगर आश्वासन देते हैं तो उन आश्वासनों को पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। जी गिरीश, वही अगर बात करें किसानों का आंदोलन को लेकर, तो क्या किसी दल के नेता की तरफ से इन किसानों को कोई सपोर्ट मिला है? जी, फिलहाल जो अभी किसी भी जो राजनीतिक पार्टी है उनका समर्थन नहीं है, लेकिन ये जो किसान हैं करीब 81 गांव के किसान बताए जा रहे हैं, इनकी ही आबादी बचाओ समिति एक बनाई गई है। तमाम जो आसपास के गांव के किसान हैं उनका ही एक संगठन है, फिलहाल वही क्या कहते हैं पूरे प्रदर्शन को कर रहा है। जी, तो जैसा कि बात करें अधिकारियों और किसानों को लेकर, तो इन लोगों के बीच क्या बात हुई है, अधिकारी किस प्रकार से किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है धरना? जो फिलहाल जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अभी वो सामने नहीं आए हैं, किसानों के साथ उन्होंने बात नहीं कही है। अभी सिर्फ पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को संभाले हुए हैं, वही किसानों से बात कर रहे हैं। अभी प्राधिकरण का कोई अधिकारी सामने नहीं आया है। इससे पहले भी कई दिन पहले भी जो धरने गए थे उसमें भी अधिकारी आने से बचते हैं, कहीं ना कहीं जो लापरवाही रहती है क्योंकि उनके ही काम में कमी है जिसकी वजह से ये प्रदर्शन होता है। तो फिलहाल जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो सामने नहीं आए हैं। अब जैसे जैसे धरना बढ़ता है तो शायद ये लोग सामने आए, कुछ लिखित में जवाब दें। जी गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।